आज मैंने आपके लिए ऐसा वीडियो बनाया है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वॉशिंग मशीन में जो आप पाउडर यूज करते हो, कोई भी पाउडर हो, डिटर्जेंट पाउडर, एरियल, सर्फ एक्सल वगैरह वगैरह, उससे आपके कपड़े में जो इफेक्ट होते हैं, जो नुकसान होते हैं, इसके बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ। और जो वीडियो मैंने बनाया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि उसे देखकर आप कभी पाउडर यूज़ नहीं करोगे अपने कपड़े धोने के लिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पाउडर यूज़ करने से क्या नुकसान होते हैं। तो पहला जो नुकसान है वह आप जो पाउडर फॉर्मिंग करता है ज़्यादा, उससे जो फॉर्मिंग होता है वो सूखता नहीं, वो आपके के कपड़े में ही रह जाता है। तो उसके फॉर्मिंग जो कपड़े में सूख जाता है, उससे क्या आपके कपड़े वाइट वाइट होते हैं, बराबर से वॉश होते नहीं है। और वही जब आप कपड़े पहनते हो तो उसमें से जो फॉर्मिंग होता है वो आपकी त्वचा को ख़राब कर देता है और आपको खुजली भी होने लगती है। तो इस वजह से आपको कई स्किन के इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और जो कास्टिक सोडा होता है पाउडर में, वो भी आपके कपड़े को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है और ये मशीन मेंटेन रखने के लिए भी सही नहीं है। और ये जो लिक्विड है, इससे आपका लो फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें आपका ज़्यादा फॉर्मिंग भी नहीं होगा, जिससे कपड़े धोने के बाद कपड़े में झाग नहीं रहेगा और ठीक से वॉश होगा, इससे वॉश क्वालिटी भी आपको बेहतर मिलेगी। पाउडर से भी आपको वॉश क्वालिटी तो मिल रही है, लेकिन उससे जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में आपको पता नहीं है। तो उससे जो नुकसान होने वाले है उसके बारे में जानिए और पाउडर जो है वो यूज करना कम कर दीजिए, मतलब बंद ही कर दो तो बेहतर है। अब मैंने आपको लाइव डेमो दिया है ताकि आपको पता चले कि पाउडर क्या नुकसान करता है। ये वीडियो खासकर IFBB कस्टमर्स के लिए है, जो कस्टमर ब्रांड मशीन लेते हैं और इसमें लोकल पाउडर यूज करते हैं। अब आप अगर एक आईफोन लेते हो, ब्रांडेड आईफोन लेते हो, इसमें अगर लोकल कोई भी चार्जर यूज करते हो, चार्जिंग तो होगा आपका मोबाइल, लेकिन लॉन्ग टाइम बाद आपका जो मोबाइल है उसका चार्जर का जो सॉकेट है वो ख़राब हो जाएगा। उसी तरह आपको ब्रांडेड मशीन में लोकल कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करना है, जिससे मशीन ख़राब हो जाए और कपड़े भी ख़राब हो जाए। ब्रांडेड कोई लोकल मशीन नहीं है।